सुपर हिट गाने और सुपर डुपर हिट फिल्म आशिकी को आज 30 साल पूरे हो गए हैं और आज हमारे साथ हैं फिल्म के हीरो मिस्टर राहुल राय। राहुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, मजा आ गया। मजा आ गया कि आपने मुझे शो पे बुलाया। सर हम कब से इंतजार कर रहे थे आपका, तो फिर फोन क्यों नहीं किया? अरे सर मतलब बस अभी हम डरते रहे कि अब किस बहाने से आपको बुलाए। सर आज कसम से अपने दिन याद आ गए हमें, स्कूल के कॉलेज के, मतलब स्कूल में जब थे हम तब फिल्म आई थी, कॉलेज जाते जाते तब भी इसके गाने बजते रहे और आज भी इस फिल्म के गाने जो हैं वो इतने पॉपुलर हैं। कमाल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। और कितनी लड़कियों को पटाया आपने मेरे गाने गा गा करके, बिल मेरे नाम पे फाड़ के। बिल्कुल सही कही आपने सर, आपके गानों के चक्कर में, फिल्म के चक्कर में ना कई नॉन डिजर्विंग लड़के भी ना लड़कियां पटा गए। आज भी वही हाल है। राहुल सर का हेयर कट इतना पॉपुलर हुआ था सर, आपको देख के तो सबने कॉपी किया। आपने कहां से वो स्टाइल सोचा था, नीचे नीचे कटिंग कराते जाओ, ऊपर वाले बाल आते जाएंगे और ऐसे करके ऐसे गिरते थे ना मुंह पे। मैं लंदन में था और एक दोस्त थी। अच्छा जी। दोस्त थी। हाँ जी। तो वो हेयर स्टाइलिंग कर रही थी तो उन्होंने किया था, तो मैं मॉडलिंग में कर रहा था। अच्छा जी। और जब मैं भट्ट साहब से मिला तो उन्होंने कहा यार इसके बाल बड़े अजीब हैं, कपड़े भी बड़े अजीब तरीके से पहनता है। और जब उन्होंने मुझे साइन किया तो मेरा ख्याल से इंडस्ट्री का हर शख्सियत, बड़ा डायरेक्टर वगैरह जा करके उनको बोले ये तो नहीं चल सकता, ये हीरो ये तो दिखता ही नहीं है वैसे। अच्छा। बट भट्ट साहब की जिद थी। और शूटिंग में मेरे को याद है सालों तक यही होता था, क्योंकि जब भी मेरे को शक्ल नीचे करनी पड़ती सारे बाल से ढक जाते थे तो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिखता था किसी को। पर कमाल है सर, मतलब इतना कॉपी किया लोगों ने वो स्टाइल। अब क्योंकि फिल्म का नाम आशिकी है, फिल्म में भी भर भर के आशिकी थी, इसलिए बिना देर किए मैं उनको इन्वाइट करने जा रहा हूँ जिनके साथ राहुल राय साहब ने ऐसी आशिकी की कि आज तक हमारे दिलो दिमाग पे छाई हुई है। प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल अनु अग्रवाल। अनु मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। मैं कई दफा ये सोचती हूँ कि वो सिर्फ उसने गाना गाया और लड़की आ गई। ऐसा लाइफ में होता है क्या? यस यस होता है, होता है। पर ऐसा एक्चुअली फिल्मों में दिखाते हैं लेकिन रियल लाइफ में तो लोग सच्ची में पागल हो गए थे ये फिल्म देख के, उनके गाने सुन के। मैं भी आपके आने से पहले यही बात कर रहा था, उस समय सबको लगता था हमारी गर्लफ्रेंड अनु अग्रवाल होगी ऐसे ही मतलब। पर एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा मुझे कि जिस मैजिकल जोड़ी को हम जा के सिनेमाघरों में बार बार देखते थे आज वो हमारे बीच मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए मैम प्लीज विराजमान हो जाइए। ध्यान से देखिए मित्रों, ये वही जोड़ी है जिन्होंने कोर्ट के अंदर मुंह डाल के रोमांस किया था। सबके मन में एक सवाल है कई सालों से, ये कोर्ट के अंदर मुंह क्यों डाला था? आपको डर है आप पकड़े ना जाएं? या ये किसका आइडिया था सर? ये सिर्फ भट्ट साहब का था। अच्छा। और जब उन्होंने ये पोस्टर दिखाया था तो जैसे हर कोई न्यू कमर होता है, तो शक्ल कहाँ है हमको, हमारे को छुपा दी क्या, मतलब अच्छा। पिक्चर लोग देखने जाएंगे। लेकिन उनकी थॉट थी नहीं, मेरे को मिस्ट्री क्रिएट करना है कि कौन है। अच्छा। तब मेरे को दिल में डर लगता था कि वाकई में मेरे बाल मेरे खिलाफ चले जाएंगे। अच्छा। जिस टाइप का मैं हूँ कि मतलब छुपा रहे हैं ऑलरेडी पोस्टर में। आपको पता है आपके चक्कर में, ये जो कोर्ट वाले चक्कर में, अर्चना जी का तब अफेयर चल रहा था परमीत सर के साथ। इतना तक तो सच आ गया, अब झूठ बोल। नहीं, उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे को भी कोर्ट वाला पोज करना है। तो वो जब आए ना अंदर तो अंदर डाल के बोलती 100 रुपया निकाल ले तो मैं शोर मचा दूंगी। तो वो बेचारे उस समय 100 रुपया नहीं दे पाए, उनको शादी करनी पड़ गई। आज तक भरपाई कर रहा है। काफी मिस्ट्रीज हैं इस तरफ भी। पर राहुल सर, अनु मैम, जब आपको ये फिल्म मिली थी आशिकी, उस समय आपके मन में कभी ख्याल आया था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी कि 30 साल बाद भी आपको कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिले? सॉरी अपनी प्रमोशन मैं करता रहता हूँ बीच में। सबसे पहले कपिल मैं ये कहना चाहूंगा कि 30 साल तो हो गए इंडस्ट्री में रहते हुए जी, बीच में मैं 9 साल नहीं था वगैरह, लेकिन जब मैं वापस आया जी, जितने भी मेरे चहेते लोग हैं कह रहे थे सर कपिल शर्मा के शो में चले जाइए, लोग आपको देखेंगे ज्यादा के अब क्या कर रहे हैं वगैरह। और मैं तेरे को कई जगह पकड़ा और मैंने पूछा कब बुला रहा है, कब बुला रहा है। तेरे को छोड़ूंगा नहीं सर, लव यू सर, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि ऐसे शुभ अवसर पे हम लोग आए हैं यहाँ पे।
जब फिल्म की थी उन दिनों में मुझे याद है 6 दिन का हाउसफुल हर सिनेमा हॉल में था। तो रिलीज वाले दिन में मेट्रो सिनेमा में 12 बजे की शो लगी हुई थी। अच्छा जी। मुकेश भट्ट मेरे को गाड़ी में लेके गए थे क्योंकि उन दिनों मैं पीजी में रहता था। अच्छा जी। तो मैं चला गया यहाँ पे, थिएटर के बाहर कम से कम 300-400 लोग थे शो के घुसने के लिए अंदर। अच्छा जी। गाड़ी से मैं बाहर निकला तो पूरी की पूरी जनता रिकॉग्नाइज्ड हुआ है वॉश, भागने लगे। एंड उन दिनों में कोई बाउंसर बाउंसर वगैरह कोई नहीं होता था। अच्छा जी। वो सब कोई नाटक नहीं था। अच्छा। तो मुकेश जी मेरे को लेके जाते थे जिसके प्यार के भूखे हो आप उन्हीं को धक्का मार करके दूर कर रहे हो बाउंसर से, मतलब क्या हुआ? बहुत, बहुत प्यारी बात है वाकई। तो किस तरह ये लोग मेरे को भीड़ के थ्रू लेके जा करके जनरल मैनेजर के ऑफिस में मेरे को बंद करके रख दिया। सब लोगों को जल्दी से सीट पे बिठाने के लिए उन्होंने पिक्चर 10 मिनट पहले चालू कर दी। अच्छा। पहली बार मैंने देखा कि जनता जो है स्क्रीन पे कॉइन्स फेंक रहे, इतने सारे कॉइन्स फेंक रहे, मेरा ख्याल से 1-2 आर्टिस्ट के काफी पैसे निकल जाते उसी शो में। इट वॉज दैट मच कॉइन्स दे वर स्पेंडिंग। ये प्यार था। तनु मैं ना आपके लिए भी फोन आते होंगे उस समय, तो चिट्ठियां बड़ी लिखते होंगे लोग। मैं उस समय जो है पेइंग गेस्ट में रह रही थी जूहू में। उस रात को मैं सोई हूँ, सो के सुबह उठी और मुझे अब वो जो सुबह है वो सुबह ऐसी वो छाप उसने मारी है मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि उस दिन मैं उठी तो मैंने देखा कि चारों तरफ बिल्डिंग में से लोग जो है बाहर अनु अनु, और मैं जो मैं कहूँ हाय रे, मेरे कपड़े ठीक है, मैं कहाँ हूँ, कौन है ये लोग, कहाँ है दौर, कहाँ है, मैं दौर ढूंढ रही हूँ कि क्या है, मेरी टी शर्ट छोटी है कि बड़ी है, ये लोग कौन है, मुझे ध्यान ही नहीं आए। और फिर उसके बाद मैं किसी तरीके से मैं आंखें बंद करके वही लेट गई और मुझे ध्यान है कि कितने घंटे बाद जब मैंने आंखें खोली तो लोग वहीं खड़े हुए थे। वाह क्या बात। किसी भी तरीके से खैर मैं उठी, साइड में निकल के मैं किसी तरीके से घर से निकली कि भाई स्विमिंग के लिए मैं चली जाती हूँ। मैं नीचे निकली, दोनों तरफ जो लेन थी वहां पे लड़के खड़े हुए हैं। अच्छा। और इसे राहुल ने लिखा था अनु आई लव यू, एक सीन था जहाँ पे इसने पूरी दीवार पे लिखा अनु आई लव यू आई लव यू। दोनों तरफ लड़कों ने दीवार पे लिखा अनु आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मैं मुंह नीचे करके बड़ी कॉन्फिडेंटली चलना शुरू किया। मैंने मैं गई हूँ तो सामने ऑटो आया, मैं ऑटो में बैठी, उसने आशिकी गाने चला रखे हैं और वो जो है ऑटो, उसने जो है स्टार्ट किया ऑटो और यूं देख रहा है मेरी तरफ। मैंने कहा यार ये तो ऑटो जो है कहीं ना कहीं हिट कर देगा। मैंने कहा आप सीधा देखिए भाई, आप चला रहे हैं, आप आशिकी की अनु अग्रवाल हैं। अरे पर सर ये मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ, फिल्म आपको कैसे मिली? मतलब जैसे आप तो मॉडलिंग करती थी पहले, या राहुल सर आप भी मॉडलिंग करते थे, भट्ट साहब से कैसे मुलाकात हुई? मेरी मदर एक बहुत स्ट्रांग लेडी थी तो उनके बारे में लिखा गया था। तो भट्ट साहब क्या है, उन दिनों में ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढते थे बिकॉज उनकी सारी फिल्में आधारित होती थी ऑन रियल कैरेक्टर्स। तो वो मिले मेरे मदर से और जैसे हर माँ होती है प्राउडली, ये मेरे बच्चे हैं ये, तो वो फोटोज़ देख रहे थे तो मेरे मॉडलिंग के, तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि ये फिल्म करेगा, तो मेरी माँ ने कहा मैं उससे बात करवा देती हूँ बिकॉज इज हेयर इन बॉम्बे कुछ मॉडलिंग के चक्कर में। अच्छा जी। तो जब मेरी मदर आई, मैं चर्च गेट में रह रहा था। अच्छा जी। तो वो आई तो कहने लगा महेश भट्ट वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं राहुल हूँ, मम्मा ने बोला था, तो इन्होंने बोला जुहू आने के लिए। तो फिर उनके घर पर आया तो सोनी जी ने दरवाज़ा खोला था। अच्छा जी। एंड भट्ट साहब से मिला और पहले 5 मिनट में वो जो टिपिकल भट्ट साहब, तू मेरी पिक्चर कर रहा है? मैं कहा हाँ सर मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, कौन सी फिल्म है क्या, हाँ बस कर रहा हूँ मैं उनकी फिल्म। अरुण मैम आपकी कैसे मुलाकात हुई थी भट्ट साहब से? मेरी कहानी इससे बिल्कुल अलग है। अच्छा जी। बट अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म ने मुझे ढूंढ लिया और पकड़ लिया और फिल्म करवा दी। क्या हुआ था, मेरी महेश भट्ट से मुलाकात हुई थी आशिकी से 6 महीने पहले। अच्छा जी।
तो एक मेरे फ्रेंड थे अनिल गुप्ता, उनका एक लंच था, तो मैं लंच पे गई थी और मैंने जो है खाना लेके मैं बैठ गई, खाना खाना मैंने शुरू कर दिया. एंड इतने में गाय वॉक, मतलब एक लड़के अंदर आए, आदमी आया, और वो कौन थे, ये महेश भट्ट. और उन्हें मेरे को सिर्फ वहाँ देख रहे थे बैठ के, मुझे नहीं पता, बोले कि यू आर अ स्टार. तो मैंने जो है खाते खाते कहा कि इन द गैलेक्सी. फिर बोले यू शुड एक्ट इन मूवीज. तो मैंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो उसके बाद मैंने सोचा बात ख़त्म हो गई. पेरिस में मेरा मॉडलिंग का जॉब आ गया. उसके बाद मैं जो बम्बई आई, मैंने कहा भाई ये प्लेइंग गेस्ट मेरा बंद पड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई यहाँ से मैं बैग बैग निकाल के बंद करूँ यहाँ सारा. आई वॉज क्लोजिंग और एवरी थिंग करेक्ट. उसी दिन दोपहर को महेश भट्ट का फ़ोन आ गया. अच्छा. फ़ोन मैंने उठाया, इमीडिएटली महेश भट्ट, ही डजंट वेस्ट हिज टाइम, हेलो हाय भी नहीं, हेलो. मैंने कहा हेलो, कहते हैं यू रिमेंबर आई मेट यू 6 months अगो. मैंने कहा हाँ शायद. एंड ही सेड कि आई हैव रिटन अ स्क्रिप्ट. मैंने कहा कि भाई अच्छा, आई टोल्ड यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज. तो कहते हैं कि इफ यू डोंट डू दिस फिल्म तो मैं ये पिक्चर नहीं बनाऊंगा. वाह. क्योंकि ये लड़की सिर्फ तुम ही प्ले कर सकती हो. फिर फाइनली मैंने जाके वो स्क्रिप्ट सुनी, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि स्क्रिप्ट एंड हो गई है, मैं मना नहीं कर पा रही हूँ. मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बताती हूँ. और मैंने फिर 10 दिन के अंदर मेरे बर्थडे 11 जनवरी को जाके पिक्चर साइन कर ली. वाह. देख लो, उस समय आपने नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म कैसी एक कल्ट फिल्म बन जाएगी. yeah. और सालों तक लोग इसे याद रखेंगे. मुझे याद है जब फिल्म रिलीज हुई ना, तो आशिकी के बाद हर लड़का ना लंबे बाल रख के गिटार लेके घूमने लगा था. ये अपना दिनेश है ना, ये जो रेड कलर की गिटार, इसने गिटार तभी भी जानी शुरू की. तो ये इस चक्कर में फेल हो गया. उसके बाद वही लंबे बाल इसके बाप ने पकड़ के जो घुमाए हैं ना, उसका दोनों तबले सुझाए इसके डैडी ने. राहुल राय सिर्फ आशिकी नहीं करते, पढ़ाई लिखाई भी करते थे. हाँ. अच्छा सर, अनु जी का नाम भी फिल्म में अनु था, आपका भी राहुल ही था. तो ये इंटेंशनली रखा था कि आलसी थे भट्ट साहब? ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत फनी किस्सा है. गाना तो शूट कर लिया. अच्छा. मैंने तो स्क्रिप्ट सुनी भी नहीं जी. तो मेरे को तो कैरेक्टर का नाम ही नहीं पता था कि मैं कैरेक्टर क्या है. अच्छा. तो गाना जैसे खत्म कर लिया, तो शॉर्ट था कि एक बंदा आता है रेस्टोरेंट का, भाई तू पगार ले ले दिन का और साइन कर ले वाउचर. किसी ने बोला ही नहीं, तो मैंने राहुल रॉय लिख दिया उधर. करके उन्होंने शॉर्ट कैन कर लिया. अब उस टाइम तो डिजिटल था नहीं फिल्म. फिल्म का मतलब बहुत महंगा है. नहीं, अभी नहीं रीशूट हो सकता. तो नाम उन्होंने राहुल रख दिया. और उसके बाद जितने भी फिल्में मैं कर रहा था, बिकॉज फिल्म हिट हो गई, तो इट वाज राहुल ओनली. वाह, क्या बात है. सो और भी बातें करेंगे हम राहुल सर से और अनु जी से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाले एक बेहतरीन एक्टर को. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा एक्टर डायरेक्टर मिस्टर दीपक तिजोरी. दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर, आशिकी के 30 साल पूरे हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक. लगता है हाँ, सफेदी आ गई. एक्चुअली सर, जब आपको फिल्मों में देखते थे ना, सबको लगता था ऐसा हमारा भी दोस्त होना चाहिए. बस यही एक प्रॉब्लम होता था हमेशा. मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ उन दिनों में. अच्छा. हाँ, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती थी, मुझे हमेशा दोस्त बनाते थे. पर सर, आपके कभी मन में नहीं आया यार मैं भी हैंडसम हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, आपके मन में नहीं आया कि मेरे को भी हीरोइन मिलनी चाहिए? भट्ट साहब से कहा नहीं आपने? सब किया हम लोगों. अच्छा. ने उन दिनों मेरे साथ में और 3-4 और भी थे. अच्छा. जो भट्ट साहब की सेवा में लगे हुए थे उन दिनों में. अच्छा. और हम लोग देख के बोलते थे भट्ट साहब इसको कैसे हीरो हो गया. इसको देखो तो सिर्फ हिंदी बराबर बोलता है ना, हीरो की कुछ भी बात है. भट्ट साहब भी ऐसी गंदी गेम खेलते थे, हम लोगों को बिठा के बोलते थे कि अच्छा मैं फिल्म बना रहा हूँ, अब तुम चार लोग बैठे हो, तुम चारों स्ट्रगलर हो, डिसाइड करो हीरो कौन बनेगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. अच्छा. और हम लोग सब आस लगाए बैठे हैं कि अभी अगली फिल्म तो हमारे को चांस मिल ही जाएगा. लेकिन फिर बाद में चांस मिला ही नहीं, मालूम पड़ा ये हीरो बन गया. फिर मैं वहां से निकल गया. मैं बोला भाई अब तो इसका नंबर लग गया. बट एक चीज बताऊंगा कपिल जी, मुझे एक कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरह याद है. भट्ट साहब, दीपक और मुझे, और उनका उस टाइम पे स्टाइल होता था दोनों के कंधों पे हाथ रख करके यूं करके, और दीपक को कहता है देख अब ये हीरो है.
तू उसका दोस्त है, बी अ जेन्युइन फ्रेंड. उस सेकंड के बाद आज तक ही इज लाइक दैट विद मी. क्या बात, इतना मैं कहूंगा. एंड द बेस्ट टाइम, और जो बेस्ट टाइम मेरा था जी, वो ऊटी का शेड्यूल था. हम दोनों कमरा शेयर कर रहे थे. अच्छा, कंट्रोल बजट, हीरो को भी कमरा शेयर करना पड़ रहा है. अरे वाह, क्यों? नहीं नहीं, मैं ठीक. कौन सा हीरो अपने कमरे में सोता है? नहीं नहीं, मैं अच्छी बात है. और एक और बात बताता हूँ कि अगर मुकेश जी की फिल्म हो ना, हाँ, तो कमरा मिल जाए हीरो को तो भी बहुत बड़ी बात. अगर आप 90s के इश्क में जाओ, आप बहुत सारे लोग वो उस दौर में से निकले हो, उस समय दोस्त का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था. एक्चुअली दोस्त ही आके बताता था कि वो अपने मन से भाभी मना लेते थे ना, वो कि भाभी 9 बजे कॉलेज जाती है, 2 बजे ट्यूशन जाती है. कई तो लड़की गली में जाके सिटी में जाते थे. हमारे दास दादा ना, हमारे फोटोग्राफर, इन्होंने तो स्पेशली इंटेंशनली अपने दांतों में गैप रखवाया ताकि मेरी सिटी तेज बजे. ये हमारा जो पांडे है ड्रम पे, इसका तो कोड वर्ड था क्या? ये अपनी गर्लफ्रेंड की गली में जाकर ना कुत्ते के जैसे भौंकता था. और वो फिर ना, वो रोटी डालने के बहाने आती थी. अच्छा. एक दिन ये हो गया लेट. हाँ. तो वो तो सो गई. हाँ. उसका डैडी आ गया. पहली बार लोगों ने कुत्ते को फटे कपड़ों में 2 पैरों पे चलते देखा है. आप सबके भी आई एम श्योर बड़े किस्से होंगे उस समय के. अगर आप कोई अपना फनी किस्सा शेयर करना चाहते हो, कभी पकड़े गए हो या किसी का काम खराब हो गया हो, कुछ चिट्ठी विट्ठी पहुंचाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं. जी भाई साहब. हाय एवरीवन. हाँ जी. हाय एवरीवन. हाय. सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ. मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है. कानपुर से आए आप, आपका क्या किस्सा है? हाँ सर, मुझे कभी कभी ये लगता है कि दो प्यार करने वालों के संदेश को पहुंचाने के चक्कर में किसी तीसरे की जबरदस्त धुलाई हो जाती है. ऐसा लगता है वो ये यही आपको है. लगता है कि आपके साथ हुआ है? इसी के साथ. सर, अपना दर्द आपसे ही बयां कर सकते हैं. तो कब हुआ था ये आपके साथ? सर, मैं छोटा था काफी. अच्छा. और मेरे, आप छोटे भी थे. अच्छा जी. फिर मेरे कजिन ब्रदर, वो बड़े थे, काफी बड़े थे, मतलब उनका टाइम था प्यार करने का. अच्छा. हमारा टाइम था मार खाने का. अच्छा. वो टाइम पे तो वो, उनको मोहल्ले की किसी लड़की से प्यार हुआ था और वो लेटर लिख के दिया करते थे आपको, फुसला के मुझको, ये ले तेरे को कंपट दूंगा. ये क्या दोगे? कंपट. वो क्या होता है? लाइक एज टॉफी. टॉफी. अच्छा, अच्छा. की तरह. उसमें सर रैपर रैपर नहीं होता था. अच्छा. मेड इन होम. नंगी टॉफी. मेड एट होम. तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने लेटर दिया, मैं घर पे गया देने के लिए, और वो लड़की कहीं गई हुई थी. अच्छा. बाजार या स्कूल कहीं भी, उसका भाई था. मुझे ये तब समझ नहीं थी सर कि वो लेटर है क्या है. अच्छा. मैंने उसको, भाई को खेलने की जल्दी हो रही थी, भाई ये ले उससे बहन आई तुम्हारी उसको दे देना, मैं खेलने जा रहा हूँ. तो उसने लेटर देखा तो समझ गया ये वो है. उसने कुछ नहीं बोला, भाई रुक रुक. तब उसका टीवी चल रहा था, मैं ऐसे खड़ा हो गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया. जो भी पढ़ा उसमें क्या लिखा मुझे नहीं पता. हाँ. लेकिन जो उसने हमारी धुलाई की अंदर ही अंदर कुछ नहीं, आज भी याद है. उसने फिर मुझे घर से बाहर भेज दिया, मैंने किसी को नहीं बताया, सीधे ग्राउंड पहुंच गया खेलने के लिए. ऐसी बातें कोई बताता भी नहीं है. सर हिम्मत भी नहीं हो रही थी अंदर से. उसके बाद जो खबर थी वो घर पे पहुंचा दी. घर में मैं सबसे छोटा था. उसके बाद जब मैं शाम को घर पहुंचा तो जो बची कुची कसर थी. हाँ. वो घर वालों ने खुराक में पूरी कर दी. अच्छा. आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, अभी नहीं. लगे रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. शुक्रिया. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.